खालीपन आ जाता है। जब भी रचनात्मकता की बात आती है, जब भी सकारात्मकता की बात आती है, जब भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात आती है, तब हम नवभारत टाइम्स की तरफ देखते हैं। और जब भी नवभारत टाइम्स की तरफ देखते हैं तो हमें एक जगमगाता हुआ सितारा नजर आता है और उस सितारे का नाम है अनुराग त्रिपाठी। मैं निवेदन करता हूं कि भाई अनुराग जी आए। माननीय संवेदनाओं से भरी हुई स्टोरी लिखना, खबर की स्टोरी लिखना अनुराग जी की विशेषता है। अनुराग जी के मैंने कई बार महसूस किया है कि अनुराग जी को शब्दों की सीमा दे दी जाती है कि भाई ये स्टोरी सिर्फ 200 शब्दों में लिखनी है, लेकिन उन 200 शब्दों में भी अनुराग जी कई बार इतना कमाल कर जाते हैं कि हम देखते रह जाते हैं कि कहानी के लिए शब्दों की लिमिट कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन उसमें भावनाओं भरने वाले, आत्माएं भरने वाली कलम में अगर दम है तो वो उस खबर को कहीं से भी कहीं पहुंचा सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा आज इस मंच ने सम्मानित किया भाई अनुराग त्रिपाठी जी को। और अब मैं भाई सफदर शमी जी को आवाज देना चाहता हूं कि वो आए और सम्मानित होकर के इस मंच को सम्मानित करें। हम भाई सफदर का नाम लगातार सुनते आते हैं, रचनात्मकता में बेमिसाल हैं। इनकी रचनाएं जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम बहुत आनंदित होते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि एक वो सफदर था, एक ये सफदर है। उस सफदर ने नुक्कड़ नाटक को रोमांचित किया था, इस सफदर ने मुंबई को गौरवान्वित किया है। हम भाई सफदर शामी को सम्मानित करते हुए सम्मान महसूस कर रहे हैं। गोपाल भाई ने कुसुम त्रिपाठी जी के बारे में बहुत कुछ बताया। ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करते हुए और उनके बारे में कुछ बोलते हुए थोड़ी सी हिचक होती है। हिचक इसलिए होती है कि क्या बोलूं और कैसे बोलूं, कितना बोलूं। गोपाल जी आ गए हैं बाकी बोलने के लिए। कुसुम त्रिपाठी की जो क्रांतिकारिता है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है, और वो स्त्रियों के मुद्दे पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है और इतना गहरा स्ट्रेंथ लेती है, और इसलिए हम उसे सम्मानित कर रहे हैं। बहुत हम ये हमारे लिए सम्मान की बात है, समझे, हम सबके लिए सम्मान की बात है, उसे सम्मानित कर रहे हैं। मोहता जी और राकेश श्रीमाल जी सम्मानित करें। सबसे मुश्किल होता है ऐसे किसी नाम को आवाज देना जो आप ही के घर में रहता हो। संशोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में उनकी के घर में मैंने बिल्कुल करेक्शन किया है। ये करेक्शन राजम जी ही कर सकती हैं। पत्रकारिता के सफर से कहानी के सफर पे चलना और पूरे देश भर में अपनी सिर्फ एक किताब से अपनी पहचान बना लेना, देश भर के साहित्यकारों के बीच में अपनी धमक स्थापित कर देना, ऐसा काम किया है श्रीमती सुमन सारस्वत ने। मैं निवेदन करता हूँ कि ये मंच सुमन सारस्वत को सम्मानित करें। भाई राकेश श्रीमाल और अरुण मोहता जी, मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि अगला नाम मैं अलका सिगतिया का बुला रहा हूँ। हो गया ना? ओके, अभी कोई नहीं है। लोटियाल जी हो गए ना? लोटियाल जी का भी हो गया।
इससे पहले कि हम कविताओं की तरफ आगे बढ़े, मैं आदरणीय मंच के अध्यक्ष, हालांकि अध्यक्ष भाषण बाद में होता है, लेकिन ये जो समारोह हुआ है उस समारोह के लिए इस वक्त नौटियाल जी का बोलना बहुत जरूरी है कि अगर नौटियाल जी बोलेंगे तो एक माहौल बनेगा, कविता का माहौल बनेगा, आपके सुनने और सुनाने का माहौल बनेगा, एक दूसरे से जुड़ने का माहौल बनेगा, और सबको जोड़ने का काम नौटियाल जी वर्षों वर्षों से करते आए हैं। और मैं इस मंच की तरफ से इस वक्त आवाज दे रहा हूँ आदरणीय नंद किशोर नौटियाल जी को कि आशीर्वचन दें और इस मंच को कवि और कविता से जोड़ने के लिए मध्यस्थता करें। आदरणीय नंद किशोर नौटियाल जी आए और हमको सम्मान पे बोलिए, बाद में फिर बोल दीजिए। ये इसीलिए पहले सर्वप्रथम कहा है, मैं सबको में आ रही हूँ। हाँ आई हैं आ रही, बैठो बैठो, मेरा भाषण सुन के जाओ। मैंने तुम्हारे बहुत भाषण सुने और बहुत सारे नाटक भी, अरे भाषण भी क्या नाटक करती है साथ ही गजब है। देवियों और उसमें प्रतिनिधि देवी राजा नटराजेंद्र और पार्टी, इतनी सब देवियां यहाँ बैठी हैं, सबके नाम लूँ तो मेरे वक्तव्य का समय कम हो जाएगा। राकेश, मैं चाहता था कि राकेश को सुनूं और उसके बाद अपना वक्तव्य दूं, लेकिन अब आप लोगों की इच्छा है कि तू जल्दी से बोल के यहाँ चला जा, और जाना बहुत दूर है, आजकल बहुत मुश्किल होता आना जाना, लेकिन हमारे बीच में जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब के सब सम्मानित होने के कारण, तो अब जैसे अनुराग त्रिपाठी को आपने सम्मानित किया, मुझे पूरा सुनाई तो नहीं दिया कि क्यों किया, ना अविनाश अवस्थी को क्यों किया, हाँ एक आदमी को सम्मानित किया आपने तो वो मेरी समझ में आया, पर हम लोग, मैं हुआ, अविनाश हुआ, वो और बहुत सारे हम लोग हैं यहाँ बैठे हुए, अब ये हमारा सारस्वत, तो सारस्वत भी अब पुराना हो गया, आप नए होंगे तो है नहीं। अरे बहुत प्रेम की कविताएं लिखते हैं, अभी जवान है। अरे बातचीत में मत बोला कर, कितनी बार इसको समझाया है, मानते हैं एक चीज हुआ करती है जो कभी सीधी नहीं होती। तो गलगली, गलगली ने जो सेवा की है आर टी आई का सक्रिय कार्यकर्ता और आरटीआई का सही इस्तेमाल करने वाला, तो अब मैं सामान्य तो ये मैंने इसके बारे में जो कह दिया तो ये सबसे हुआ यही है, और ये सामान्य दोनों में होने वालों में सबसे बूढ़ा मैं ही हूँ, तो एक बूढ़ा और एक जवान और उसके बीच में आप सब लोग। अब अलका है बैठी, अभी इनकी एक कहानी संग्रह मैंने पढ़ा है, अच्छा लिखा, मगर इनका लिखी हुई कहानियाँ मेरी पत्नी को पसंद नहीं आई, तो जिनके लिए लिखा उन्हीं को पसंद नहीं आ रही,
ये पत्रिका जो अभी आई है मैंने देखी नहीं पूरे तौर पर। मोहता जी, मोहता जी कलकत्ते से बम्बई में आए हैं और मोहताओं को मैं काफी अरसे से जानता हूँ। ने गोपाल से कहा खड़ा हो जा मोहता के पास, जब तक मोहताओं के पास खड़े नहीं हो गए तब तक सफलता नहीं मिलती, ये तुम बता देता हूँ। मेरे एक मित्र मोहता हुआ करते थे, जज थे हाई कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट के भी जज थे, और एक मेहता और मेरे मोहता मेरे मित्र थे जो बिरलाओं के दामाद थे, और भी कई मोहता हैं। तो जज से लेकर के और बिरला तक और बिरला के दामाद, यानी बड़े से बड़े का दामाद, तो ये मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, मानो तो मानो, न मानो तो मत मानो। किसी का मंत्र माना है अब तक? कहाँ मानता है, कभी नहीं मानता। कहाँ है इसकी पत्नी, कहाँ है तेरी पत्नी आई है? पत्नी क्या होती है? हाँ ये भी बताता हूँ, पत्नी क्या होती है। पत्नी वो होती है जो पति को लगाम डाल करके रखती है। हम जैसे जिसको कहते हैं भटगैया, जिसको कहते हैं कि इधर उधर खेतों में चरने चले जाने वाले लोग गोपाल शर्मा, तो उन जैसे लोगों को लगाम डाल के रखने वाली पत्नी होती है। तो मित्रों अब ये पत्नी और वगैरह से बाहर निकल करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ दो बातें, एक पुस्तक प्रकाशन और दूसरा पत्रिका प्रकाशन। मैं डांगे कहा करते थे उनके बात दोहरा रहा हूँ, ये बात मेरी है नहीं, लेकिन मैं कई जगह बोल देता हूँ, आप लोगों के बीच में अगर मैं अपनी बना करके बोलूँगा तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो पकड़ लेंगे, कहेंगे तुम क्या बोलते हो, तुमसे पहले तो डांगे बोल चुके हैं। ऐसे डांगे श्रीपाद अमृत डांगे कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता, मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत दिनों तक रहा, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी नहीं छोड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे छोड़ दिया। जब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ तो पार्टी का जब विभाजन हो गया तो उन्होंने न तो उन्होंने न इन्होंने किसी ने मुझे पूछा नहीं, मैं उनके पार्टी में दोबारा गया नहीं, तो मैं उनसे छूट गया। जहाँ तक सवाल यह है कि कम्युनिज्म के बारे में बात है, उस बारे में मेरी अपनी राय है कि कम्युनिज्म देश में क्यों नहीं फैल रहा है, जबकि भारत में कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा के बढ़ जाने की, चारों तरफ फैल जाने की पूरी संभावना है, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं फैल रहा है, उसके अपने कारण। सबसे बड़ा कारण ये है मैं, न उसने पूछा न इसने पूछा, छोड़ दिया। सबसे बड़ा कारण है कि दो टुकड़ों में टूटे, फिर चार टुकड़ों में टूटे और टूटते ही चले जा रहे हैं। तो भाई जो लोग टूटते चले जाएंगे लोगों को संभालेंगे नहीं, मोहता जी यदि आप अपनी संपत्ति को संभालोगे नहीं तो वो संपत्ति तो बिखर जाएगी, ये है मूल कारण। बाकी ये न समझना कि भाई हमारा ये देश है, इस देश की अपनी विशेषताएं क्या हैं, क्या खसूसियत है देश की, उस खसूसियत के हिसाब से हम अपनी नीति अपनी वाणी को बनाएं। अब एक बात मेरी खत्म हुई, अब दूसरी बात यह है कि प्रकाशन का जो काम है इसके बारे में, इसके इस काम में अखबार निकालने के कोई काम में आता है तो डांगे कहते थे कि चाहे कुछ ही दिन अखबार निकले लेकिन जितने दिन निकले जितने दिन चले उतने दिन उसका निकलना चलना बहुत अच्छा है, उसका स्वागत होना चाहिए। अब आए प्रकाशन पर, तो प्रकाशन का काम में मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि प्रकाशन का काम ढंग से इस देश में कोई करता ही नहीं, और दूसरी बात हिंदी के प्रकाशन का तो करता ही नहीं है कोई। बड़े बड़े प्रकाशक हैं, मेरा एक अभी उपन्यास छपा
अलकनंदा नाम से यहाँ बैठा हुआ है हरिमृदुल, उसने समीक्षा भी लिखी और बड़ी तारीफ की इसने, मुझे तो नहीं मालूम था कि इतना बढ़िया मैंने लिख दिया। तो मेरा पहला उपन्यास था, कथा साहित्य में मैं इससे पहले गया ही नहीं था। तो जिस प्रकाशक को मैंने छापने के लिए दिया, और जहाँ मुझे इधर उधर से खबरें आती हैं, लोग कहते हैं फोन करके कि आपका उपन्यास हमने पढ़ा बहुत अच्छा था, उसने मुझे क्या कहते हैं कुछ नहीं दिया। मैं पूछता हूँ कि भाई मेरे रॉयल्टी में कुछ बना? हाँ, मैं अभी निकलवाता हूँ, हिसाब निकलवाता हूँ, देखता हूँ आपकी रॉयल्टी है, बनती है, बन रही है। मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम 1,500-2,000 कापियाँ तो मैंने ही बिकवा दी हुई अपने प्रकाशक की, लोगों से कह कह के ये खरीद लो, ये किताब खरीद लो, और वो मुझे आज तक हिसाब नहीं दे रहा है कि कितनी उसने बेची। तो आप पहले इस धंधे में ना आना, अपनी ये आदा न रखना। तो अब आपसे दूसरी बात कहते हैं, अंग्रेजी के जो प्रकाशक हैं वो अंग्रेजी के कोई भी घटिया से घटिया किताब भी छापेंगे तो उसका प्रचार प्रसार, उसका हो हल्ला, उसका धमाल ऐसे बनाते हैं कि जैसे न इससे पहले कोई इतनी अच्छी बढ़िया किताब निकली न निकलेगी, और फिर लाखों में बेच देते हैं। आप हमारे जो प्रकाशक हैं वो बुद्धि इस बात पर नहीं लगाते कि इसके धमक पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कोई पुराना तौर तरीका सरकारी खरीदी, सरकारी खरीदी का अर्थ होता है पुस्तक को मार देना, लाइब्रेरियों में चले जाना। पहले तो आधी पुस्तकें जो सरकारी खरीदी में जाती हैं वो बिकती नहीं, भाई देखो मुझे बता देना जहाँ पर बात खत्म करनी होगी, है ना। तो सरकारी खरीदी में ऐसे किताबें जाती हैं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप सोच विचार करके और आज के इलेक्ट्रॉनिक ज़माने का फ़ायदा उठाओ और अपना बड़ा मार्केट बनाओ, और जो भी अपनी आपके किताब के जो भी तारीफ हो, जो भी हो, उस तारीफ को बढ़ा चढ़ा करके जगह जगह भेजो। तो आजकल कई तरीके हैं इसको बेचना है, प्रकाशक बनते हो तो आधुनिक प्रकाशन में प्रकाशक क्या बोला? नहीं, मैं ध्यान यहाँ बात करूँ, जरा भी सुन लो। साढ़े पाँच तो दो बातें मुझे कहनी थी, दोनों बातें मैंने कह दी। अब इसमें अमल करना तो आपका काम है, करो तो फायदे में रहोगे, और नहीं करो तो जाओ, वो नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। आप अनाउंस कर दीजिए कि कविता पढ़ने जा रहे हैं राकेश। हाँ, आप बोल दीजिए, टाइम बहुत कम है, 5:30 तक है। अच्छा, 5:30 तक का है, आप बोल दीजिए। मेरी बात हो गई पूरी? आपकी हो गई है भाई। हाँ। अनुराग जी, करना पड़ता है सर। आप बोलिए सीधे सीधे। दरअसल वो कह रहा था कि जितनी लाइनें बढ़ रही थी कविता की लाइनें उतने कम हो रही थी, तो अब वो लाइनों का दौर तो खत्म हो गया है। मैं सीधे से राकेश से निवेदन करूंगा, 5:30 तक टाइम है, आप चाहे तो उसको 6 बजे तक कर देंगे और कविता पर बात हो। थैंक यू राकेश। ताली आप लोग बिल्कुल नहीं बजा रहे थे, अच्छा लग रहा था, पर ताली का दौर अब आ रहा है। नमस्कार, सम्माननीय मंच, नोटियाल जी, अलका जी, मोता जी, त्रिपाठी जी, इस सभागार में बैठे मेरे बहुत मतलब सालों पुराने दोस्त, इन सबका नाम नहीं लूंगा मैं, शुरू करता हूं मैं। पहली कविता है, तुम मत बात करो मुझसे, तुम मत बात करो मुझसे, ना ही झगड़ो ना ही प्रेम करो। तुम मत बात करो मुझसे, ना ही झगड़ो ना ही प्रेम करो, तुम केवल तुम की तरह रहो,
क्या बात, जैसे कि तुम हो, क्या बात।